हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आप एक्स फैंटेसी गुरु जी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जूनियर T20 लीग का जो मैच खेला जाने वाला है शाम के टाइम में BWR वर्सेज MNW के बीच। इस मैच के बारे में बात करेंगे, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के स्टैट्स के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कौन से खिलाड़ी हमारे लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। लेकिन अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो भूलिएगा मत, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, वहीं अगर बात करें यहाँ पर विकेट कीपर ऑप्शन में, यहाँ पर देख सकते हैं हसीब खान। दोस्तों, हसीब खान बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है दोस्तों, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आते हैं, इनको अपनी टीम में लेकर चलना ही चलना है, खास तौर पे स्मॉल लीग की टीम में। दोस्तों, सैफ इमरान को भी ले सकते हैं, ये भी टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हैं लेकिन इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा। अगर चार मेंबर के लिए खेलते हैं तो सैफ इमरान को भी ले सकते हैं क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लेकर आने वाले हैं क्योंकि हसीब खान ज़बरदस्त फॉर्म में है। दोस्तों, नज़र को बात करें यहाँ पर, इनको ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना है केवल ही केवल। दोस्तों, वहीं अगर बात करें बैटिंग ऑर्डर की तो देख सकते हैं यहाँ के शहजेब खान। दोस्तों, शहजेब खान टॉप ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आते हैं और कभी भी इनको मौका मिलता है तो एक से दो ओवर बॉलिंग भी कर लेंगे, इनको अपनी टीम में लेकर ज़रूर चलना है। और बासित अली, दोस्तों बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, दोस्तों ओपन करने के लिए आते हैं, कभी कभी तीन ओवर बैटिंग करने आते हैं, तो इनका बैटिंग ऑर्डर कोई कन्फर्म नहीं है लेकिन एक से दो ओवर बॉलिंग ज़रूर करेंगे। तो इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी टीम में लेकर चलना ही चलना दोस्तों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जाजिया थॉमस पिछले मैच में भले ही रन नहीं बना पाए थे लेकिन इस मैच में इनको लेकर चलना ही चलना है क्योंकि ओपन करने के लिए आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खिलाड़ी हैं। दोस्तों, और कोई खास तौर पे खिलाड़ी नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि स्मॉल लीग की टीम में लेकर चलना है, बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं स्मॉल लीग की टीम में नहीं बल्कि ग्रैंड लीग की टीम में तैयार कीजिएगा। यूसुफ की बात करें, ग्रैंड लीग में बहुत ही अच्छी पिक हो सकते हैं, जाजिया थॉमस की जगह पर आप इनको ले सकते हैं। दोस्तों, वहीं अगर बात करें ऑलराउंडर से, मैं ले रहा हूँ को पिछले मैच में मैंने बोला था कि मेरे ये ऐसे वाइस कैप्टन होने वाले हैं, तो दोस्तों विकेट भी लिए थे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मुझे एक तरफा विन भी करवाया था दोस्तों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पे देख सकते हैं कि सज्जाद अली, इनको 84% लोग लेकर गए हैं लेकिन यह है कि कभी कभी बॉलिंग करते हैं और बैटिंग आने पर भी बैटिंग से पॉइंट दे सकते हैं, इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों को लेकर चलना चल रहा है। ओबैस शाहिद मैं इनको लेकर नहीं जाने वाला, भले ही 62% लोगों ने लिया लेकिन मैं इनको लेकर नहीं जाने वाला क्योंकि मुझे इनसे कुछ उम्मीद नहीं है दोस्तों, कभी बॉलिंग करते हैं कभी नहीं करते हैं। अबीदुल्ला बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, हर मैच में विकेट लेकर जा रहे हैं, इनको लेकर चलना है। अरहम नवाब ये मेरे आज के वाइस कैप्टन भी होने वाले हैं तो इनको मैं अपनी टीम में लेकर जरूर चलूँगा, इस मॉल की टीम में आपको भी लेकर चलना ही होगा। जीशान इनको लेकर चलना है, मोहम्मद इरफान पिछले मैच में 2 विकेट लेकर गए थे, इनको भी अपनी टीम में लेकर चलना ही चलना दोस्तों, इस बार का ध्यान दीजिएगा। एक खिलाड़ी और आप लेकर जा सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी मोहम्मद नाबिल, पिछले मैच में इन्होंने भी विकेट लिया था, इनको भी मैं अपनी टीम में लेकर चलना ही लाओ दोस्तों। और अगर बात करें यहाँ पे विकेट कीपर में, तो हसीब खान के साथ मैं जा रहा हूँ। वहीं अगर बात करें कैप्टन की, मैं लेनहम के साथ जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन अरहम नवाब। दोस्तों, सारे लोग बासित अली के साथ जा रहे हैं लेकिन मैं इन दोनों खिलाड़ियों के साथ जाने वाला हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। स्मॉल लीग की टीम में आप रिस्क मत लीजिएगा, आप जाइएगा बासित अली के साथ, इस बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो में।